झारखंड में पशु तस्कर का मनोबल लगातार ऊंचा होता जा रहा है। पशु तस्कर पुलिस अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। रांची में महिला एसआई को कुचलकर मारने के बाद गुमला जिले में रायडीह थाने में भी बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस को कुचलने का प्रयास 8 दिन पूर्व किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को विसुनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह एवं जवानों को बुलेरो से कुचलने का प्रयास पशु तस्कर द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि पशु तस्कर के द्वारा गोवंश को हत्या के उद्देश्य पश्चिम बंगाल ले जाने की सिलसिला जारी है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कुसमी जिले में एक ट्रक में पशु को छत्तीसगढ़ से विसुनपुर लोहरदगा होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहे पशुओं को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने का प्रयास किया तो पशु तस्कर बुलेरो गाड़ी में बैठे थे। वह थाना प्रभारी सदानंद सिंह व जवानों को कुचलने का प्रयास किया, परंतु होशियार रहने के कारण थाना प्रभारी व जवानों ने बाल बाल बचे। इसके बाद पुलिस ने 10 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया, तब जाकर मवेशियों से लदा हुआ ट्रक पकड़ा गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध तस्करी गौवंशी तस्कर करने वाले लोग छत्तीसगढ़ से नेतरहाट घाटी होते हुए विष्णुपुर होते हुए लोहरदगा जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर कुछ पदाधिकारी को बनारी भेजे थे, कुछ यहाँ थाना गेट पर लगाए थे, जिसमें मैं अपने स्वयं था जो बनारी तरफ थे, वहाँ चकमा देकर के एस्कॉर्ट कर रहे बोलेरो एवं ट्रक दोनों भाग। तो हम अलर्ट किए थाना पर, गेट पर लगे थे उन पदाधिकारी एवं कर्मी। यहाँ भी जो एस्कॉर्ट कर रहा था बोलेरो चकमा दे करके मैंने बाल बाल बचे लोग और गाड़ी आगे बढ़ी, ब्रेकर को धक्का मारते हुए जिसमें बोलेरो गाड़ी पलट गई। उसके बाद ग्रामीण के सहयोग से बोलेरो गाड़ी उठाया गया, किसी को हताहत नहीं हुआ। उसके पीछे से आ रही ट्रक गाड़ी को कोई पकड़ा गया, जिसमें 5 व्यक्ति ट्रक पर थे, 2 व्यक्ति बोलेरो पर थे, 7 व्यक्ति को गिरफ्तारी सूची बना कर विधिवत गिरफ्तार किया गया और कान दर्ज करके आज न्यायालय प्रस्तुत करने के लिए। सर, आपको भी कुचलने की कोशिश की गई थी? हाँ, विसुनपुर थाना से पीछे एक पुल है, पुल के पास एस्कॉर्ट कर रहे हुए बोलेरो रोका था, जिसमें हम अपने मोटरसाइकिल से सूचना मिला कि वहाँ गाड़ी रुकी हुई, गए तो रोकने का प्रयास किया, जिसमें ड्राइवर जो था से चकमा दिया, डर बुझाया कि हम पर कारण घटना कोई 1 सप्ताह पहले रायडी थानेदार के साथ हुआ था और कुछ दिन पहले रांची में ऐसी घटना घटी थी, हम तो डर काफ़ी गए थे। और यहाँ भी उसका देखे करतूत थाना गेट के सामने ऐसा किया कि जमें बहुत सा ग्रामीण भी क्षति हो सकते थे, आप पुलिसकर्मी भी बाल बाल बची, ये बात सत्यता है। सर, पहले इधर से गौ तस्करी नहीं होता था, क्या कारण है कि बिरस्तो गौ तस्करी हो रहा है? अभी भी इधर नहीं होता था, लेकिन चारों तरफ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत कड़ाई किए हुए हैं कि गौ तस्करी हमारा जिला से बाहर नहीं जाए, चारों तरफ से नाकाबंदी पुलिस अधीक्षक महोदय किए हैं। इसके चलते ये सब चाह रहा है कि इधर मौका मिले हम व्यवसाय करें। नहर बना रहे हैं इसको तस्कर? जी, नहर बनाने का कर रहे थे, प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गुमला जिला से कोई भी गौ तस्करी नहीं हो, और अथक प्रयास सभी पदाधिकारी द्वारा किया भी जा रहा है। थैंक यू सर। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।